चोरी की सजा, यानी कि पहले आपको कर्मों को दिखाया गया और उसके बाद सजा क्या मिलने वाला है उसको इधर दर्शाया गया है। तो ये जो है अपना नरक लोग, इसका टिकट घर ही है, 10 रुपए का टिकट मिलने है। ये शो कब से कब तक चलता है अपना? ये कंटिन्यू चलते रहता है, तो मतलब शाम से दिन भर चलेगा ही? हाँ, कभी भी आए चले मिलेंगे। हाँ, कंटिन्यू चलता है। तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये है ना कि आप कभी भी आओ, ये सब आप लोग देखने को मिलेगा। तो 10 का एक टिकट ले ले, अंदर ले जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई साहब, गेट के बाहर ही कितना जबरदस्त साइकिल चला है कंकाल, पूरा बॉडी को पीछे का ले रहा है उसके बाद आगे कर रहा है। तो ये है कंकाल का स्टाइल साइकिल चलाने का। तो बच्चे लोगों के लिए काफ़ी मतलब बढ़िया शो है, वो लोग डरेंगे भी, इंटरटेनमेंट भी उनका हो जाएगा। अब बड़े लोगों के लिए भी ठीक है। इधर देखो सांप को बनाया गया है, पेंटिंग वेंटिंग भी भूत वाला किया गया है, और ये बाहरी अपना बड़ा लुक है। और ये देखो भाई साहब, मेन एंट्री गेट पर इतना बड़ा भैंसे का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो अभी चलते हैं गाइस अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से कैसा दिखते हैं अपना नरक लोग। हेलो तो बोल दो। तो बच्चे लोग थे टिकट काउंटर पे और अभी भाई साहब अपन आ चुके हैं अंदर। तो ओवरऑल शो दिखाऊं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अंधकार छाया हुआ है और डराने के लिए डरावनी साउंड इफेक्ट है, और ऐसा कुछ सीन देखने को मिलेगा भाई साहब, जहाँ गणेश जी को देखो कितना बढ़िया बनाया गया। और ये जो सामने देख रहे हो, आप लोग बता दूं, एक लोटा जल सभी समस्या का हल, ये प्रदीप मिश्रा का एक कोट था जो अपने हर कथा में कहते हैं। और यहाँ देखो जितने भी हड्डी हैं, हड्डी को देख रहे हो ना भाई साहब, ये हड्डी हर हर महादेव कर रही है। तो भगवान के सामने सभी को झुकना ही पड़ता है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने आगे, तो आप लोग देखो भाई साहब क्या क्या जबरदस्त जबरदस्त सीन बनाया गया है। यहाँ देखिए, नेता द्वारा झूठ बोलना वह प्रलोभन देना, तो उसकी कैसे वो लोग झूठ बोलते हैं उसका एक इधर पूरा उदाहरण दिया गया है। मतलब कुल मिला के नेता का सीन दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए, जो भी आगे मूर्ति है उसके पीछे लिखा गया है किस बारे में जो मूर्ति है बनाया गया है। जैसे कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, दहेज के लिए बहू को जलाना बुरे कर्म होता है, तो उसको इधर भाई साहब दर्शाया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बढ़िया है। पढ़ाई ना करना, मोबाइल और कंप्यूटर से गेम खेलना दिन दिन भर, तो वो देखो भाई साहब, ये देखो नशाखोरी का उधर सीन दर्शाया गया है। और ये भाई साहब गौ हत्या बुरे कर्म, गौ हत्या भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो उसको इधर दर्शाया गया है। ज़बरदस्त है। और आगे लेके बढ़ते हैं आपको, यहाँ से देखिए, लूट कर हत्या करना, कैसे लूटा जाता है, कैसे हत्या किया जाता है, उसका सीन इधर दर्शाया गया है। लेकिन एक चीज़ गाइज मुझे इसमें कमी लग रहा है, पता है क्या, कि कर्म तो जो करते हैं उसको दर्शाया गया है, लेकिन कर्म का फल कैसा मिलता है वो नहीं दर्शाया गया है। एक्चुअल में उसको दर्शाना जाना चाहिए था, जैसे कोई लूट कर कत्ल करता है तो उसका हिसाब किताब कैसे भुगतेगा, उसको क्या कर्म का फल मिलने वाला है, उसका बनाते तो ज़्यादा मजा आता। बट ठीक है, आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो इधर आप लोग को दिखाऊँ, मरने के बाद आत्मा इस तरह निकल कर यमराज तक पहुँचती है, इधर आपको बोर्ड देखने को मिलेगा और ये आपको आत्मा का सीन बनाया गया है। तो काफी जबरदस्त है भाई साहब, और बच्चे लोग आएंगे तो ये तो पक्का डर जाएंगे। ये देखिए जबरदस्त यार, 10 रुपए मतलब फुल मजा है, फुल वसूल है। हाँ, इधर गाइज आप लोगों को वो दिखाया गया है चोरी की सजा, यानी कि पहले आपको कर्मों को दिखाया गया और उसके बाद सजा क्या मिलने वाला है उसको इधर दर्शाया गया है। तो इधर पहले आप लोगों से बात कर रहा था कि कर्म तो दिखाया गया है, सजा क्या मिलने वाला वो दिखाया जाता तो मजा जाता, तो भाई साहब यहाँ से सजा क्या मिलने वाला है वो भी दिखाया जाने लगा है। ये देखिए भाई साहब, थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था पढ़ाई जो नहीं करने वाले हैं और दिन दिन भर गेम खेलते कंप्यूटर पे, उसका सीन दिखाया था, लेकिन उसका सजा क्या होने वाला है इधर भाई साहब दर्शाया गया है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सजा है, इतनी भी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए पढ़ाई ना करने वालों की। एक्चुअल में ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डरावना बना दिया गया है, उल्टा लटका के मारा जा रहा है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है। और ये देखिए, शराब पीने की सजा, जो लोग शराब पीते हैं उनका क्या दशा होने वाला है, नदी में गिरे हुए हैं और मगरमच्छ इनको खाने वाला है। तो एक से एक भाई साहब सीन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, झूठ बोलने और लालच देने की सजा, ऐसा सजा मिलेगा यार आप लोग झूठ बोलोगे तो। वीडियो को लाइक बोलते हो कर दिया हूँ तो लाइक कर भी देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, झूठ मत बोलना, समझे। तो भाई साहब अभी तक मेरे को तो मज़ा आ रहा है, और बोले कि माइक क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि कॉलर में लगाऊंगा ना तो जो बैकग्राउंड साउंड है वो ज़्यादा है, इसलिए माइक को सामने लगकर आप लोगों से बातें करूँ और एक चीज़ को दिखा रहा हूँ, तो भाई साहब वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। और ये भाई साहब दहेज मांगने और जलाने की सजा, आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था दहेज मांगने वाला सीन कैसा था, और उसको दहेज जो मांगता है, जो जला देता है बहू को, उसको क्या सजा मिलेगी, इधर दर्शाया गया भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो भाई साहब पूरा अलग अलग बना दिया गया है यार, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये तो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, छत्तीसगढ़ी गाना, इधर मेरे ख्याल से बारात उरात निकला है क्या,
लगता मुझे वैसी रहा है कि यहाँ बारात निकला है, बट बारात में देखो भाई साहब किसका किसका निकला है, हड्डी कंकाल ये सब का बारात निकला हुआ है। और ऐसे करते गए जब आप लोग इसके बाहर आ जाओगे, यानी कि अपन एंटर किए थे दूसरे रास्ते से और बाहर निकले हैं भाई साहब इस रास्ते से, जो साइकिल दिखाया था ना एंटर अपन वहाँ से किए थे, भैंस जहाँ से भैंस का जो मुंह बनाया है, और निकले अपन इस रास्ते से। तो मेरा ओपिनियन पूछते हो इस शो के बारे में तो काफ़ी ज़बरदस्त है भाई साहब। 10 रुपये में जो भी कर्म करता है उसको दर्शाया गया है, और बाद में एक लाइन से वो चीज़ दर्शाया गया है कि वो कर्म करने के बाद सजा क्या मिलने वाली है उसके बारे में दर्शाया गया है भाई साहब। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।